नमस्कार, मैं हूं अर्थविंदर। प्यारे विद्यार्थियों, आज सीखेंगे कि कैसे आप सिंपल एक वेब पेज बना सकते हैं CSS और HTML की मदद से। कुछ ज़्यादा कोडिंग नहीं है इसमें। आपने सिंपल एक बैकग्राउंड इमेज कैसे लगानी है और ये टेक्स्ट कैसे लगाना है, उसके ऊपर आपने इफेक्ट्स कैसे लगाने हैं, यही सीखने वाले हैं हम। तो बिगिनिंग है, ये बिगिनर्स के लिए है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं 6th-7th क्लास में, उनके लिए ये कैसे आपने कोडिंग करके एक सिंपल पेज बनाना, स्टार्टिंग कैसे करनी है CSS और HTML की, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये इमेज चाहिए मुझे, इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, न्यू फोल्डर माई वेब पेज के नाम से। तो मैंने एक फोल्डर बना लिया, उसके अंदर मैंने एक अपनी इमेज रख दिया जिसको मैंने बैकग्राउंड पे लगाना है। तो आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं या कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं नोटपैड नहीं है मेरे पास, तो टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो उसको पहले, सबसे पहले आपने अपने पेज को सेव कर लेना। तो अभी डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बनाया था माई वेब पेज, और उसमें आपने कोई भी नेम दे देते हैं। मैं इसको नेम देता हूँ index.html। याद रखें, जिस भी नेम से सेव कर रहे हैं साथ में .html लिखना बहुत ज़रूरी है, जो कोई भी वेब पेज को सेव करने के लिए, तभी वो वेब पेज बनेगा। अगर आप .html लिखना भूल जाते हैं या नहीं लिखते हैं तो वो वेब पेज नहीं बनता है। तो नेम के बाद फुल स्टॉप, जिसको डॉट कहते हैं आप, और HTML, उसमें जिससे स्पेस नहीं देनी है, साथ के साथ ही HTML लिख देना है, तो वेब पेज बन जाएगा। सबसे पहला टैग होता है आपका HTML, पहले सेव कर देते हैं इसको। तो उसके बाद HTML मैं साथ के साथ क्लोज कर देता हूँ। जो भी ओपनिंग, ये ओपनिंग टैग है HTML का और ये क्लोजिंग टैग है। उसके बाद हेड आपने शुरू किया और हेड को आपने क्लोज कर देना। उसके बाद आप टाइटल क्या देना चाहते हैं, मैं अपने पेज को टाइटल देना चाहता हूँ नेचर, और इसको टाइटल को मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद इतना करने के बाद आप यहाँ पे बॉडी टैग शुरू कर दीजिए और बॉडी टैग क्लोज कर दीजिए। और इसमें मैं लिखना क्या चाहता हूँ, अभी आपने देखा था वेब पेज, लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो आपने अभी अपने वेब पेज के अंदर यहाँ पे इसको सेव कर देना। मैं इसको H1 टैग में लिखना चाहता हूँ, हेडिंग 1, H1 होता है हेडिंग 1, और इसको अनक्लोज कर देता हूँ हेडिंग 1 टैग के अंदर। और दूसरे में H2 के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ कि ये कोटेशन किसने लिखी है। तो इसके लिए ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का नाम हम यहाँ से कॉपी करके और उनका नाम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आप जानते होंगे, मैथमेटिशियंस हैं। तो इसको सेव करते हैं। अभी आप साथ के साथ चेक करते जाएंगे कि हमारा पेज कैसा बन रहा है। तो मैं इसको खोलता हूँ, किसी भी वेब ब्राउज़र में खोल सकते हैं। मेरे पास वेब ब्राउज़र है, ये शुरू हो गया है बनना। तो इसमें अभी बैकग्राउंड लगानी है। ये जो टाइटल दिया था ऊपर आ रहा है, ये नेचर लिखा हुआ आपने, ये माई वेब पेज है जो पहले देख रहे थे, और इसका जो टाइटल दिया गया है तो नेचर है। तो आपने उसको बढ़िया बनाने के लिए अब इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करनी है, इस पर बैकग्राउंड इमेज लगानी है। तो स्टाइलिंग के लिए बच्चों आप हेड के अंदर स्टाइल टैग लगाते हैं, स्टाइल। जो स्टाइल टैग है उसका थोड़ा डिफरेंट वे होता है। जैसे मैंने बॉडी के बैकग्राउंड पे पिक्चर लगानी है तो बॉडी लिखेंगे स्टाइल के अंदर, और कर्ली ब्रैकेट शुरू करनी है और बंद करनी है आपने। उसके बाद आपने लिखना है बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद कॉलन यूज़ करते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना कॉलन। और उसके बाद पूछना है कि इमेज कौन सी लगानी है आपने। तो मैंने इमेज जो सेव की थी अभी 2.jpg के नाम से है, ध्यान रखे पेज और इमेज दोनों एक ही जगह पे होने चाहिए। और उसके लिए URL लिखोगे 2.jpg, इमेज का नाम लिखोगे और सेव कर दोगे। अभी आप चेक करोगे और रिफ्रेश करोगे अपना पेज, आपकी बैकग्राउंड पे इमेज आ गई। आप देख रहे हो इमेज रिपीट कर रही है, यहाँ से दोबारा शुरू रहती है इमेज। तो इसके लिए आप देख सकते हैं बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, और रिफ्रेश करोगे तो ये रिपीटिशन खत्म हो गई, लेकिन वाइट सा आ गया है, तो उसको पूरा कवर होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं बैकग्राउंड कवर, बैकग्राउंड साइज कवर, तो ये पूरा कवर हो गया। स्टूडेंट्स, ये होता है एट्रीब्यूट और ये होती है वैल्यू। इस एट्रीब्यूट को कौन सी वैल्यू आप देना चाहते हैं, ये होता है आपका सिलेक्टर कि किस टैग की आप स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा, बैकग्राउंड पे तो पिक्चर आ गया, लेकिन थोड़ी सी आप इसके ऊपर ब्लैकिश सी ट्रांसपेरेंट लेयर लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं
लीनियर ग्रेडियंट, इसको कोड लोज, ये यूआरएल जो मैंने लिखा था उसके और लीनियर ग्रेडियंट के बीच में कॉमा डाल दिया, और इसके अंदर आपने दो कलर देने होते हैं, आरजीबीए की फॉर्म में दे सकते हैं आप, दोनों को आरजीबीए की फॉर्म में लिख देते हैं दोनों कलर्स। आर मीन्स रेड, जी मीन्स ग्रीन, बी मीन्स ब्लू एंड ए मीन्स अल्फा, कि उसकी ट्रांसपेरेंसी कितना करना चाहते हैं। रेड भी जीरो है, ग्रीन भी जीरो है, ब्लू भी जीरो है, और जो ट्रांसपेरेंसी है 0.8 है, तो मीन्स ये बन गया आपका ब्लैकिश कलर। अगर सारे कलर्स आप जीरो देते हैं तो सभी कलर का कम्बिनेशन बनता है ब्लैकिश, जो देख रहे हैं आप ब्लैकिश सा हो गया बैकग्राउंड इमेज। तो अब आपने H1 को, जो H1 लगाया था आपने, लुक इन टू ये इनक्लोज किया था, तो इसकी स्टेरिंग करनी है। तो इसके लिए आप सिलेक्टर यूज़ करोगे H1, उनको ओपन करके क्लोज कर दोगे। सबसे पहले तो मुझे इसका कलर है थोड़ा चेंज करना है, कलर मैं इसका कर देता हूँ ग्रीन, तो आप देखोगे तो ग्रीन कलर में आ गया। और H2 की भी सेटिंग करनी है, और इसका कलर मैंने करना है रेड, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कलर, आपका एट्रीब्यूट है कलर और आपकी वैल्यू है वो रेड है, तो ये रेड हो गया। तो मैंने अब चाहता हूँ कि ये जो आपका लिखा हुआ है बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो इसके लिए आप लिखते हैं जो आपका एट्रीब्यूट है टेक्स्ट अलाइन और वैल्यू है सेंटर, तो बिल्कुल सेंटर में आ गया। सिमिलरली मैं चाहता हूँ जो एल्बर्ट आइंस्टाइन लिखा हुआ है वो आपका राइट पे आ जाए, टेक्स्ट लाइन राइट, तो इसको आप देखोगे वो बिल्कुल राइट पे आ गया। ये देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन H2 के अंदर है, लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर, ये H1 के अंदर है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने इसकी सेटिंग करनी है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ऊपर से जो H1 आपका ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाए मार्जिन, इसका टॉप मार्जिन देते हैं, इसके लिए टॉप मार्जिन, टॉप मार्जिन, के लिए मार्जिन टॉप होता है ना कि टॉप मार्जिन। तो कितना देना चाहते हैं आप, मान लो आप 250 पिक्सल टॉप से इसको मार्जिन देना चाहते हैं, तो टॉप से नीचे आ गया 250 पिक्सल। तो आई थिंक यहां तक आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब तो थोड़ा राइटिंग है जो इसकी चेंज करना चाहता हूं, तो इसके लिए लिख सकते हैं फॉन्ट फैमिली सैंस सैरिफ, आप कोई भी राइटिंग जो भी आपकी मनपसंद राइटिंग है वो कर सकते हैं, राइटिंग चेंज होगी है। तो थोड़ा लेटर्स के बीच में स्पेस चाहता हूँ, जैसे लुक लिखा हुआ है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्पेसेस आ जाए इन लेटर्स के लिए, तो लेटर स्पेसिंग लिख सकते हैं, मैं देखता हूँ 2 पिक्सल की स्पेसिंग आ जाए। रिफ्रेश करोगे तो थोड़ी थोड़ा अब बिखर गया जी। और उसके बाद मैं इसका थोड़ा साइज भी बढ़ाना चाहता हूँ, फॉन्ट साइज मैं देता हूँ इसका 20 पॉइंट, साइज हम थोड़ा पॉइंट्स में देते हैं तो ज़्यादा कम है थोड़ा सा, मैं इसको 25 पॉइंट्स देता हूँ, बाय डिफॉल्ट अभी ज़्यादा था तो ये ठीक नहीं लग रहा, और थोड़ा बढ़ा देते हैं 35 पॉइंट कर देते हैं, तो आप देखिए बेटर आ रहा है। तो मैं थोड़ा बैक में जो शेडो देना चाहता हूँ, इसके लिए आप दे सकते हैं टेक्स्ट शेडो, जैसे टेक्स्ट शेडो में आप टॉप में और राइट में कितनी शेडो देना चाहते हैं, टॉप से 2 पिक्सल और राइट से 3 पिक्सल, और शेडो का कलर कौन सा रखना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं, और शेडो को ब्लर कितना करना चाहते हैं। मान लो मैं कहता हूँ कि मैं इसको 3 पिक्सल ब्लर करना चाहता हूँ, तो आप देखोगे ज़्यादा हो गया कुछ, तो थोड़ा कम कर देते हैं, 1 पिक्सल कर देते हैं, यहाँ पे भी 1 पिक्सल कर देते हैं, और अब देखिए तो थोड़ी सी बढ़िया लग रही है। ग्रीन की जगह येलो की जगह जो बैकग्राउंड पे आपने शेडो लगाई है उसको रेड देता हूँ कलर, तो रेडिश हो गई है। तो बच्चों आप होपफुली इतना पेज समझ गए हैं कि कैसे बनाना है, तो इसको ट्राई कीजिए एक बार, आगे हम सीखेंगे। ये सिंपल कोडिंग है, ज़्यादा नहीं है, आपने सिंपली कैसे इसको डिज़ाइन करना है ये बनाना है, तो इसको सीखिए आप, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड बेटर। और थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।